हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैंने आज सुबह ही आपको एक इन्फॉर्मेशन बताई थी, तो एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है आप सभी लोगों के लिए। मैंने सुबह एक HPCL से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाई थी कि क्या एग्ज़ाम डेट हो सकती है। तो दोस्तों जो मैंने अनुमान लगाया था सटीक उसी पर हुआ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ है। मैंने जो बताया था आपको नवंबर के मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्त आपकी एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट ने HPCL में ऑफिसर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरे थे उनकी डेट आ चुकी है। चलो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ ऑफिशियल साइट पे, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नवंबर के मंथ में ही आपका एग्जाम होने वाला है, 1 से लेकर 4 के बीच में होने वाला है। चलो पूरा दिखाता हूँ मैं नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है। पर जो मैंने आपको बताया था सुबह बिल्कुल सटीक वही इन्फॉर्मेशन आई थी और मेरे को लग रहा था इसलिए मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आओगे, ये ऑफिशियल साइट है HPCL की, जैसे कि देख सकते हो। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ मिल जाएगा आपको रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर 2022-2023। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पहले नंबर पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा। चलो मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको क्या मेंशन कर रखा है इसमें, ठीक है। पर मैंने आज सुबह ही आपके लिए बताया था और अब देखो डेट आ गई। तो भाई साहब थोड़ी बहुत रिसर्च करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो उसके लिए एक लाइक हो जाए प्यारा सा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ डेट क्या होने वाली है आपकी। तो दोस्त ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसमें आपकी पूरी जो भी आपके एग्जामिनेशन की डेट है वो इसमें मेंशन कर रखी है। और मैंने देखो आपको आज सुबह ही बताया इसलिए मैंने 2-3 बार मेंशन कर दिया, क्योंकि दोस्त आप सब लोग सोचते हो कि ऐसे ही फर्जीवाड़ा उठाया फ़ोन और बना दी वीडियो। नहीं दोस्त, थोड़ा बहुत मैं रिसर्च कर लेता हूँ। तो नवंबर के मंथ में एक बंदे का रिप्लाई भी आया था कि दोस्त आप नवंबर में कैसे कह सकते हो, मेरे हिसाब से अक्टूबर में होना चाहिए। तो उस भाई की भी बात सही थी, लेकिन नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर शेड्यूल कर रखा है। मैंने आपको 2nd से 3rd वीक में बोला, तो फर्स्ट वीक में शेड्यूल कर रखा है। तो देखो यहां डेट देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल केमिकल लॉ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ये 1 नवंबर 2022 को होने वाला है। सिविल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, फायरेंस सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर, ये 4 नवंबर को होने वाला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, होम जो ह्यूमन रिसर्च HR है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर और लॉ ऑफिसर, ये आपका 4 नवंबर को होने वाला है। तो मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स का 4 नवंबर को है, और भी ये 4 को सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फायरेंस सेफ्टी, सेफ्टी, और उसके बाद में मैकेनिकल, ह्यूमन, ये सब 4 को है, और 1 को है आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल का, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे कि आपको पता है 20 जून को आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, तो अब मेहनत करना शुरू कर दो। मैंने बताया भी है, या तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो या फिर कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। मैं किसी पर बाउंडेशन नहीं कर रहा कि आप वहीं से खरीदो जहां से मैंने बोला, कहीं से भी कुछ भी करो, बस आपको एग्जाम क्रैक करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके एग्जाम की होनी चाहिए। कोर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको यूट्यूब से अगर वेल स्ट्रक्चर्ड देखना है तो कहीं से कोर्स परचेज कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। SSC जे भी नवंबर के मंथ में आपका 15 नवंबर के आसपास, 15-16-14, ठीक है। तो ये हो सकता है। BHEL का भी मैं जल्दी बताऊंगा आपको कब पेपर होने वाला है, ठीक है। तो दोस्त तैयारी करना शुरू कर दो, और आपके लिए मैं ऐसे अपडेट लाता रहूंगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ यार शेयर करो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले टाइमली, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।